सातवां वेतन आयोग मतलब खुशियों की सातवीं डोज है। ऐसे में सवाल कई संभावनाओं के बीच खड़े हुए और एक सवाल था क्या सातवें वेतन आयोग से जनता पर बोझ बढ़ेगा। 75% लोग मानते हैं कि राहत नहीं बोझ बढ़ेगा। ये बोझ वाली जो बात है इसका कैसे संचय दूर किया जाए अब इसी पर बात की जानी चाहिए मेरे ख्याल से। कोठारी साहब शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, लोग मानते हैं कि बोझ बढ़ेगा तो ऐसे हालात में क्या समझा जाए, राहत नहीं है। 75% लोग अगर मानते हैं बोझ बढ़ेगा मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है ना। इतना डिस्प्रोपोर्शन आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हैपन। होगा, फर्क पड़ेगा पर इतना नहीं पड़ेगा, कुछ कम हो सकता है। क्योंकि 75% बोझ पड़ने का मतलब ये है कि जो भी वेतन शुरुआत में राहत से कुछ फर्क तक तो आए हम लोग, बिल्कुल आए, बिल्कुल आएगा। और इतने बड़े पैनल ने डिसीजन लिया है, ऐसा डिसीजन तो नहीं लिया हुआ ना कि चलो हम आइसोलेशन डिसाइड कर लेते हैं, बढ़ेगा देखेंगे नहीं बढ़ेगा देखेंगे, ऐसा नहीं है। फर्क पड़ेगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका फर्क आता है, पर इस डिस्प्रोपोर्शनेट रूप में आई डोंट थिंक इज गोइंग टू एक्सेप्टेड वन। चलिए शिवजी राम जी, आ रहा हूँ आपको मौका दूंगा, मैं आऊंगा आपको शिवजी राम जी। चलिए क्या राहत कहीं ढूंढते हैं फिलहाल लगता है कि, या फिर जो केंद्रीय कर्मचारियों का संचय है उसमें आपको भी लगता है कि जो 23% ये नाकाफी होगा? पिछले जो वेतन आयोग वो की जाए उसके अनुपात में तो कम है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया है उसी रूप में राज्य सरकार इसको हूबहू लागू करे। छठे वेतन आयोग में कुछ वेतन विसंगतियां रह गई थी, जो अधिकारी इस पे जो वो एक्सरसाइज करते हैं उसमें वो कुछ कमियां रख देते हैं, जैसे कहीं मतलब कई जगह जो प्रमोशन की पोस्ट है, डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो सेम होते हुए उनमें भी तनख्वाह में मतलब फर्क हो जाता है, तो हम इन विसंगतियों को दूर करने के भी लगे रहते। तो हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि उस पिछले वेतन आयोग इस बार के वेतन आयोग को विसंगति नहीं रहे और उसको AGT जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है उसको AGT से लागू करे, 1 जनवरी 2016 से ही लागू करे और वास्तविक रूप से लागू करे। RC चौधरी साहब आपकी क्या उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से? फिलहाल मोदी सरकार से जो उम्मीद है वहाँ पे कहीं कोई सेगमेंट में उम्मीद दिखती नहीं है। जिन कर्मचारियों को वेतन आयोग पे बढ़ाने की जो सिफारिशें की उसमें से बहुत सब बड़ा एक जो सेगमेंट है वो उनसे नाराज है। आज हेल्थ की देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स को ये लाना चाहते हैं और डॉक्टर्स की जो 1 तारीख को जो डॉक्टर दिवस है उसके ऊपर बड़े देश के पूरे जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से जो बढ़ना चाहिए था उनका कहीं ना कहीं कर्मचारी यूनियंस के अंदर उनको जो उम्मीद के अनुसार नहीं मिला, जो संतुष्टि मिलनी चाहिए कर्मचारी वर्ग को देने में केंद्र सरकार नाकाम रही है आपके मुताबिक। दूसरा जो शंका है, जो बड़ा एक जो सेगमेंट है, जो 66% जो ऐसे मानचंद जी ने बताया था किसान है, अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए सरकार की कहीं कोई पॉलिसी और कहीं प्लानिंग नहीं, ये सिर्फ उम्मीद पे जिंदा है कि एक तो डीजल की रेट कम होगी, एक अच्छा मानसून आएगा। खुदा ना अगर ये दोनों चीजों में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई तो इनकी तैयारी क्या है, ये जनता के मन में भय है और ये जनता के मन में ये क्लियर कर दें तो बिल्कुल खुशी की बात होगी। चलिए खंडेला साहब आपकी उम्मीद की बात करना चाहूंगा, आप क्या उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से? एक बात तो मैं जो है ना आशंका कर रहा हूँ ये कि 11 तारीख को जो कुछ है वो 42 साल के बाद में रेलवे की स्ट्राइक होगी और उससे क्या होगा इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। यानी कर्मचारी इतना देने के बाद में जैसा सरकार कह रही है या जनता कह रही है वो असंतुष्ट हैं, अब जो असंतुष्ट लोग हैं उनको संतुष्ट कैसे करेंगे? और मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि बहुत डिसइंटीग्रेशन पूरे विश्व में होने वाला है, इसलिए इस पर आप निर्भर नहीं रहिए। मानसून का ज्यादा सवाल है, अल्लाह से, महावीर से, भगवान से आप प्रार्थना करिए, आप तो कुछ कर नहीं सकते। और तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो नीचे वाला तबका है यानी मुद्रा के हिसाब से वो त्रस्त है, आहत है और वो आह कर रहा है आपके लिए, आहकार कर रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। अंतिम बात, जो कुछ आपके पास में है सब कुछ अगर कर्मचारियों को दे देंगे तो आपकी स्थिति पहले ही बनी हुई थी कि आपको लोन लेकर कर्मचारियों का वेतन चुकाना पड़ रहा है, अब आपके सामने जो होगा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं आप थोड़ी एमिकेबल करिए, इतना आप जैसे PF में डाल दीजिए, इतना आप अभी ले लीजिए, इतना आप बाद में ले लीजिए। चलिए RP विजय वर्गीय साहब, अब कंक्लूजन के लिए आपके पास मैं आ रहा हूं, जानना चाहता हूं कि इन तमाम उम्मीदों के बीच में असंतोष की जो लकीर है क्या केंद्र सरकार मिटा पाएगी? अश्विनी जी अपन को बहुत पॉजिटिव सोच रखना है, आज की तारीख में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ये कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट को AGT इन टोटो उन्होंने मानी है, इसमें सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल इसलिए नहीं कह सकता मैं कि उन्होंने तो उस रिपोर्ट को स्वीकार किया है, ये नहीं कि इसमें कम दिया है या ज्यादा दिया है, सरकार ने किया। आप लोगों ने दावे भी किए उसके बाद? नहीं, दावे मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली ये कमीशन की रिपोर्ट है, ये कमीशन को ये इंटेक्ट आज नहीं बनाया है कि आज इन टोटो में मत कहिए उसमें कई कंडीशंस हैं। मैं आपको बता दूं दूसरी चीज क्या है कि अल्टीमेटली मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे निराश होने की दरकार नहीं है, अगर पैसा अगर निकला है तो कुछ तो टैक्स के रूप में वापस आएगा,
कुछ वो मार्केट में चले जाता है। ये फिर पहले वाली बात आ गई, बात वही है, दूसरी फर्क देखते रहेंगे आप भी और हम भी, अगर कहीं कुछ लगा तो फिर बात होगी, फिर वेक फाइट होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित होगा।